आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश मना रहा है जश्न। इस पावन अवसर पर 13 से 15 अगस्त तक अपने घर में लगाए तिरंगा और गर्व से देश की आन बान शान के प्रतीक तिरंगे का उत्सव मनाए। जय हिंद, जय भारत। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घर तिरंगा, प्रत्येक घर तिरंगा। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। चिंता चंदा मन मन गुम त्रिवंदा, जबलपुर में ईडब्ल्यू ने बुधवार को की छापेमार कार्यवाही। इस दौरान राजधानी भोपाल में क्लर्क के घर से करीब 85 लाख रुपए नकदी बरामद। वहीं जबलपुर में शासकीय अभियंता के पास आय से 200 गुना ज्यादा संपत्ति का हुआ खुलासा। पूछता है भारत न्यूज चैनल के ग्वालियर चंबल संभाग इंचार्ज संदीप शुक्ला जी को बेस्ट न्यूज पब्लिश और उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए रूबी एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से नगर निगम ग्वालियर अपर आयुक्त श्री अतेंद्र सिंह गुर्जर जी, मैनेजिंग डायरेक्टर रूबी सिंह के द्वारा सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और ग्वालियर में फायर ब्रिगेड रूबी एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ मिलकर जन जागरूकता के लिए कार्यक्रम हम करते रहेंगे। सतना पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आशुतोष गुप्ता के आदेश अनुसार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 3 दिवसीय हार्टफुलनेस सेशन का हुआ शुभारंभ, जिसमें इंडक्शन कोर्स के 50 कार्यवाहक प्रधान आरक्षक को शामिल किया गया। देखिए मैहर स्मार्ट सिटी का हाल। रेलवे स्टेशन का जहां हर साल बारिश में स्टेशन परिसर में पानी भर जाता है, लेकिन आज तक पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की जा सकी। बारिश के दिनों में मैहर आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सतना शहर में हो रहे दूषित पानी की सप्लाई से जनता हुई त्रस्त। एक हफ्ते से लगातार हो रहा है दूषित पानी की सप्लाई, जिला कलेक्टर से शहर की जनता करेगी शिकायत। सतना के गहरा नाला यादव धर्म कांटे के पास बीच रोड में हंगामा कर रहे नशे में धुत दो युवकों को कोलगवा पुलिस ने किया गिरफ्तार।